एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के नौरदेही अभ्यारण्य के विस्थापितों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच कर के विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ कलेक्टर से गुहार लगाई गई। इन लोगों का आरोप है कि वन विभाग के लोगों के द्वारा उन्हें विस्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं उनके साथ मारपीट की गई। वहीं उनके द्वारा अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। महिला और पुरुषों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके अपनी पीड़ा से अवगत भी कराया गया। क्या कुछ कहना है इन विस्थापितों का और उनके साथ पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन और कांग्रेस के दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा इनके पक्ष में क्या कुछ बात कही गई, इस मामले पर क्या कुछ न्याय की बात कही गई है, आपको सुनाते हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम, ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। बात करो संघ सत्तर से सोसाइटी को पट्टो मिलो तो सर हम सर उतर हमारे बाप दादों से सन 75 से हैं। जोत कर रहे थे हमारे पिताजी, वो सोसाइटी के अध्यक्ष बना थे। अच्छा वो सोसाइटी में सर हमें न कोई रेंज वालों ने न कोई ऑफिसर ने कोई ना हमें कोई लिखत नहीं दिया कि ये जगह पे से आप हट जाएगी, ये जगह को तुम कब्जे काबल काश न करो। अगर काबल काश की जे बोल देते तो हम उस जगह पर न जाते। हमारे जितने लड़का हते लड़का बच्चा थे, हम लोग अति गरीब हैं साहब, अति गरीब हैं, कोई नहीं हमारे पास में। लेकिन हम लोग उतर कोई किराए से हम वाहन करके बस्ती में गिर के पाँव पर पड़ के हम वाहन ले गए, तो वो वाहन हम उन्हें रख लो और रख के बाद में उतर थोड़ी सी दूसरा लड़का चलवाते तो मोटरसाइकिल जा रही थी, तो वो मोटरसाइकिल धर के उड़े कर लगो देखभाल, तो की मोटरसाइकिल भी मसक दई और बस ट्रैक्टर भी मसक दई। और हमारे ये लड़कों ने इतनी मारपीट की है रेंज वालों ने, पुलिस द्वारा जाके पुलिस भी बुलवाई, पहले गए रेंज वाले, रेंज वालों ने पुलिस बुलाई, पुलिस द्वारा इन्हों पकड़े गए, पकड़ के जाके रेंज ले गए, जेल माने चौकी लाए, चौकी से रेंज ले गए। रेंज में इन्हें इतनी मार करी है कि कोई सीमा के बाहर, कोई कोई लड़को पहले खाते मान लो ने पीते मान लो हाथ गोली धर दें इनके तोड़ के। आज यहाँ आए किस लिए? हम यही हूँ आए हैं कि थोड़ी कलेक्टर महोदय के जा रहे हैं कि हम कम हमारी थोड़ी सी राहत सुनी जाए कि हमारी गाड़ी वाहन बंद है, हमारा लड़का बच्चा हमारे पूरे परेशान है, मैं भाइयों से हम सबसे आए हैं और जब तक हम जगह पे हम मर जाएंगे सर, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे सन 75 की बात हमारे दो पैर ही निकल चुकी है हमारे पिता है। सीताराम ग्राम सुहेला। क्या हो गया? खेती बखरवावे के लाने गए थे साहब, वहाँ पे हैं कब्जा पहले से है हमारे बाप दादों को, सुहाम बखरने के लिए गए थे, इनको हम इनने हमको पकड़ के रेंज ले जाके हमको मारा है, बहुत ज़्यादा मारो हमको 14-15 डंडा मारा है हमको। क्या कह रहे थे? हो गई जमीन और ये अब लेने की तुम जबरदस्ती कर रहे हो, को फलानो कर रहे हो, तो तुम गुंडागिरी से कर रहे हो, फलानो कर रहे हो, जबकि हम मजदूर आदमी गुंडागिरी क्या करेंगे, हम हैं वहाँ क्या गुंडागिरी करेंगे, अपने बच्चों को पेट पाल रहे, खेती कर रहे, थोड़ी सी खेती का भारी खेती है हमारा होती मनो इनने फिर तो ले जाके हमको मार्केट किया है बहुत ज़्यादा। हमारा सीताराम इन्हें नौरादेही अभ्यारण वालों ने जमीन पर जो ये काबिज हैं 50 वर्ष से उस पे इन्हें रोकी, परंतु हम अभ्यारण के विरोध में नहीं हैं, अधिग्रहण करना चाहिए वन विभाग को, परंतु इनको एक नोटिस दिया जाना था। नोटिस में ये कहा जाना था कि आप 25 वर्ष से काबिज हैं, आपको अन्यत्र ज़मीन दे दी जाएगी और ये अभ्यारण में आती है इसको छोड़ दें, परंतु इनके साथ पकड़ने के बाद इनका ट्रैक्टर जब्त किया, मोटरसाइकिल जब्त की और मारपीट की, जिसमें बराबर चोटें हैं लोगों को और इनको ले जाके यहाँ पर रेंज में बंद करके फिर मारा गया।
और मानने के बाद इनको जेल भेज दिया गया, जेल के बाद इनकी जमानत हुई। तो हमारा कहना ये है कि अधिग्रहण करना कोई गलत बात नहीं है, अभ्यारण को जमीन की ज़रूरत है, बराबर वे अधिग्रहण कर सकते हैं, परंतु उन्हें मारपीट का वन विभाग वालों को अधिकार नहीं है। जो मारपीट की है उसके डॉक्टरी मुलाजा होना चाहिए और अभ्यारण के जो भी कर्मचारी थे वन विभाग के उनके खिलाफ केस बनना चाहिए और उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। इस वास्ते को लेकर हम लोग आज कलेक्ट्रेट आए हैं और अभी SP के यहाँ भी जाएंगे और इनका मुलाजे कराने की मांग करेंगे। इनकी MLC हो और जिनने गलत मारा है उनके ऊपर कार्रवाई। ये बात है ग्राम सोहेला, जो ये भाजपा की सरकार है लगातार हरिजन आदिवासियों और कमजोर वर्ग के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार कर रही है। ये लोग सन 1972-75 से काबिज हैं अपनी अपनी ज़मीनों पर, वो खेती कर रहे हैं। जब ये वहाँ पर खेती करने गए तो वहाँ की रेंज के लोगों ने, जो झापन के अंतर्गत आते हैं, इनको वहाँ पर इनका ट्रैक्टर छोड़ा लिया, मोटरसाइकिल छोड़ा ली और बेतहाशा और बदतमीजी की तो हद पार कर गए। जब इन लोगों को वहाँ पर पकड़ के ले गए झापन में, आपने देखा होगा कितनी मारापीटी की इन लोगों के साथ, कितनी चोट आई है इस व्यक्ति को, नील पड़े हैं। इस प्रकार का अत्याचार थोड़ी सहन किया जाएगा। चलिए, जब वो सन 1975 से वहाँ काबिज है, अब आप कहते हो कि ये नौरादेही अभ्यारण्य में चला गया, इनको नोटिस दो, इनको बेदखली का पहले बात करो, इनको कहीं और बसाने की बात करो या उसके बदले में कहीं ज़मीन दो, ये कोई तरीका तो है नहीं। ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है कि आप किसी को भी पकड़ के किसी को भी अपनी ज़मीन कह रहे हो। और जब जैसा कि बता रहे हैं कि फिर रोड कैसे डल गया, अगर अभ्यारण्य था तो फिर सड़क कैसे डल गई, सड़क भी नहीं डलना चाहिए थी। और मुख्य बात ये है, कलेक्टर महोदय के पास आए हैं इनका ज्ञापन देने के लिए कि इनको काबिज कराया जाए, इनको पट्टे दिए जाए।